हेलो फ्रेंड, जस्ट फॉर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश जो जेई इलेक्ट्रिक सिविल का एग्ज़ाम हुआ था, पोस्ट कोर्सेज ऑफ चैनल का, तो उसका हम जीके सेक्शन देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है, विच मौर्य किंग मेंटेन रिलेशन विद फॉरन पावर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कौन से मौर्य राजा ने विदेशी ताकतों के साथ पहली बार संबंध बनाए थे? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य, जो इसका सही आंसर है, द टू इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ गुप्ता स्कल्पचर वर। तो गुप्त मोती कला के दो महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से थे? मथुरा और सारनाथ। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ सेलेस्टियल गॉड इन द वैदिक पीरियड। तो निम्न में से सूर्य कौन सा वैदिक काल का दिव्य देवता नहीं था? तो कौन नहीं था? तो इंद्र नहीं थे। तो ऑप्शन सी इसका सही है। हु इज़ नोन एज इन हिस्ट्री एज द दरवेश किंग ऑन अकाउंट ऑफ हिज सिंपल हैबिट्स। तो इतिहास में कौन अपनी सरल आदतों की वजह से दरवेश राजा के नाम से जाना जाता था? तो नसीरुद्दीन जी ये जाने जाते थे। नेक्स्ट है, द इसेंस ऑफ गुरु नानक आइडिया इज़ टू बी फाउंड इन द। तो गुरु नानक के विचारों का सार किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? जापा जी में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ गुरिल्ला टैक्टिक्स इन वॉर आफ्टर शिवाजी इज कंसिडर टू बी। तो शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध रणनीति का सबसे महान प्रतिपादक माना जाता था, तो माना जाता है। तो किसको माना जाता है? बाजीराव वन को माना जाता है। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ इंदुलेखा, कब हुई थी? 1889 में। तो इंदुलेखा का लेखक कौन है? तो कौन है इसके लेखक? चंद्र मेनन जी है। द इंडियन एसोसिएशन मर्ज्ड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर। तो जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन इंडियन नेशनल कांग्रेस में कब विलीन हुई थी? तो ये कब विलीन हुई थी? ये हुई थी 1886 में, और इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फॉर्म हुई थी? 1885 में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स वाज नॉट अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। तो कौन निम्न में से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? तो इसका जो सही आंसर रहता है वो रहता है डी, यूरोप। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से क्वेश्चन आया है ये। नेक्स्ट है, फॉसिल ऑफ एनिमल्स प्लांट्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन। तो प्राणी वनस्पति और अन्य सूक्ष्म जीवों की जीवाश्म पाई जाती है। तो ये कहाँ पाई जाती है? सेडिमेंटरी रॉक्स में पाई जाती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स विंड्स इज अफेक्टेड बाई अलनिनो। तो निम्न में से कौन सी अवधि हवाएं अलनिनो से प्रभावित है? तो जो उसका सही आंसर रहता है वो रहता है मानसून। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नहीं है की बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही रहता है। नेक्स्ट है, साखलिन आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ। तो साखलिन द्वीप किसका भाग है? तो ये किसका भाग है? ये रशिया का भाग है। तो ऑप्शन बी सही है। नाथुला पास इज सिचुएटेड इन। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? नाथुला दर्रा है ये सिक्किम में है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर द गोदावरी रिवर। तो निम्न में से कौन सा राज्य गोदावरी नदी नदी नहीं गुजरती है? तो गोदावरी नदी किस राज्यों से नहीं गुजरती है? तो ये गुजरात से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट ऑक्यूपाई द लार्जेस्ट परसेंटेज एरिया इन इंडिया। तो निम्न में से किस कोटि के जंगल का भारत में सबसे ज़्यादा विस्तार है? तो जो उसका सही आंसर रहता है वो रहता है ऑप्शन बी, डेसिड्यूस फॉरेस्ट, यानी कि पर्णपाती वन। वेरी हाई इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन इज फाउंड इन। तो बहुत उच्च तीव्रता वाली सिंचाई पाई जाती है। तो ये कहाँ पाई जाती है? गंगा यमुना दुआब में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहता है। द कोराडी थर्मल प्रोजेक्ट सप्लाईज पावर टू। तो कोराडी तापीय परियोजना किसे विद्युत आपूर्ति करती है? तो ये किसे करती है? ये करती है महाराष्ट्र को। द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिज्म, तो चुंबकीय बल होता है। तो इसका जो सही आंसर रहता है वो रहता है वेरिएबल फोर्स। नेक्स्ट है, द पेनिट्रेटिंग पावर इज मैक्सिमम इन। तो भेदन शक्ति किस में सबसे ज़्यादा रहती है? तो ये गामा रेज की जो भेदन शक्ति रहती है वो सबसे ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट है, द लाइन वेयर द अर्थ सीम्स टू मीट द स्काई इज नोन एज। तो वह रेखा जहाँ पृथ्वी आकाश को मिलती प्रतीत होती है, तो उस रेखा को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हॉरिजन, यानी कि क्षितिज। आयरन इज प्रोटेक्टिंग बाई कोटिंग इट विद अ थिन लेयर ऑफ विच मेटल। तो लोहे के संरक्षण के लिए उसमें किसकी परत लगाई जाती है? तो लोहे में जो है वो जिंक की परत लगाई जाती है ताकि ये जंग से
बचा रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन फोटोग्राफी, निम्न में से कौन सा फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है? तो फोटोग्राफी में क्या इस्तेमाल होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट है सिट्रस फ्रूट्स आर रिच सोर्सेज ऑफ, तो सिट्रस खट्टे फल किसका समृद्ध स्रोत रहते हैं? तो ये खट्टे फल का जो समृद्ध स्रोत रहते हैं वो रहते हैं विटामिन सी। तो विटामिन सी में जो जो खट्टे फलों में विटामिन सी पाई जाती है। नेक्स्ट है द प्रेजिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द, तो राष्ट्रपति डैश से 5 साल की अवधि के लिए पदेन रहता है। तो इसका सही, इसका कोई भी आंसर नहीं है, नन ऑफ दिस इसका आंसर है। नेक्स्ट है द मिनिस्टर आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द, तो जो कि मंत्री किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होते हैं रहते हैं? तो जो उसका सही आंसर रहता है वो रहता है ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय द, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो इसका जो सही आंसर रहता है वो रहता है ऑप्शन बी सेम प्रोसेस एज फॉर द जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों जैसी समान प्रक्रिया से चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट है उनको रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट है द सेवन्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग, तो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके संबंध में प्रावधान है? तो जो इसका सही आंसर रहता है वो रहता है ऑप्शन डी यूनियन स्टेट्स एंड कंकरेंट लिस्ट। तो इसमें जो 3 सूचियाँ रहती है संघ राज्य और समवर्ती सूचियाँ। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इंटरमीडिएट टायर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम कॉल्ड, तो पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पंचायत समिति। तो जो सबसे लोएस्ट लेवल पर रहता है ग्राम सभा, और सबसे जो ऊपर जो रहता है वो रहता है जिला परिषद। ड्यूरिंग विच प्लान वास नाबार्ड एस्टेब्लिश्ड, तो नाबार्ड किस योजना में स्थापित की गई थी? तो नाबार्ड जो स्थापित किया गया था, ये स्थापित किया गया था 1982 में। तो उस टाइम 6th जो 5 ईयर प्लान था। तो ऑप्शन बी इसका सही है। ऑफ द वेरियस वेज ऑफ फाइनेंसिंग गवर्नमेंट्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर द लिस्ट इन्फ्लेशनरी इज, तो सरकारी निवेश खर्च के वित्त पोषण के विविध तरीकों में सबसे कम स्फीतकारी है। तो इसका जो सही आंसर रहता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर वो है टैक्सेशन, यानी कि कर लगाना है। एन एड वेलोरम ड्यूटी इज अ टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ, तो एड वेलोरम ड्यूटी डैश पर आधारित है। तो ये किस पे आधारित है? ये आधारित है द वैल्यू एडिट पे, यानी कि मूल्य वर्धित पे। इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक वर्क्स इज नोन एड एज, तो सार्वजनिक कार्यों में निवेश को जाना जाता है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे नाम जाना जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि पूंजी व्यय से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है 61st का, जो इसका जो ऑफिशियल आंसर के अनुसार जो आंसर है वो नन ऑफ दीज है, और 62 का है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं HPG के क्वेश्चन। तो पहला है गिरी रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, तो गिरी रिवर जो है वो यमुना नदी की जो है सहायक नदी है। तो ये इसका सही आंसर है लामा डल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो जो लामा डल लेक है ये चंबा जिले में है। नेक्स्ट है पिन वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये लाहौल स्पीति में है। फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ HP वाज, तो हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? शीला कौल जी थी। नेक्स्ट है बहादुरपुर फोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहादुरपुर किला स्थित है? तो ये बिलासपुर जिले में है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू क्रिएट द पोस्ट ऑफ फायर वुमेन टू ब्रेक जेंडर स्टीरियोटाइप, तो किस राज्य सरकार ने लिंग संबंधी रूढ़ियाँ दूर करने के लिए फायर वुमेन पद की रचना करने का निर्णय किया? तो किसने किया है? केरला सरकार ने। विच सेक्शन ऑफ आधार एक्ट हैज बीन स्ट्रक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट दैट परमिट प्राइवेट एंटाइटीज टू अवेल आधार डाटा, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आधार अधिनियम की किस धारा को हटा दिया गया है जो निजी संस्थाओं को आधार डाटा उपलब्ध करने की अनुमति देता है? तो सेक्शन 57 को हटाया गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द वेन्यू ऑफ द इंटरनेशनल वाटर कलर फेस्टिवल 2018, तो इंटरनेशनल वाटर कलर फेस्टिवल 2018 का आयोजन स्थल निम्न में से कौन सा शहर था? तो ये रांची में हुआ था। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन शटलर टू एंटर द बैडमिंटन फाइनल एट द एशियन गेम्स, एशियन खेलों में बैडमिंटन फाइनल में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय शटल कौन बना? तो PV सिंधु ने अभी सिंधु मेडल जीता है एशियन गेम्स में। तो इसका सही आंसर है मीनिंग ऑफ द इडियम टू होल्ड इन कंटेंप्ट इज, तो इसका जो मीनिंग रहता है वो रहता है ऑप्शन सी टू हेट।
नेक्स्ट जो है वो है एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड कन्फेस इज, तो कन्फेस का जो एंटोनियम्स रहता है वो रहता है ऑप्शन डी यानी कि डिनाई। नेक्स्ट है यू कैन नॉट हैव समवन रिलैक्स डैश यू, तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी यू कैन नॉट हैव समवन रिलैक्स फॉर यू। नेक्स्ट है अभी प्लस अस्त, तो इसका जो संधि करना है तो इसका जो सही आंसर रहता है वो रहता है ऑप्शन ए अभ्यस्त। कुल का उपसर्ग क्या बनता है, तो कुल का उपसर्ग बनता है प्रति कुल। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द है, तो इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, ऑप्शन सी प्रफुल्ल। नेक्स्ट है